हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंडर आज हम रीड करेंगे फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमारा चैप्टर रहेगा। इससे पहले हमने एचसीएफ, एलसीएम और फैक्टर के बारे में रीड किया। फ्रैक्शन फ्रैक्शन कैसे, मतलब इसके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, हम इस चीज़ के बारे में रीड करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आपका जैसे एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों को जोड़ना व घटाना, कैसे हम इसको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4/6 एक भिन्न है, 5/6 एक दूसरा भिन्न है, इनको कैसे जोड़ना है। तो अगर हमारे पास अगर हार समान हो, ये जो हमारे पास हार जो आता है जिसे हम डिनोमिनेटर जिसे बोलते हैं, और ये अंश जो आता है जिसे हम नोमिनेटर बोलते हैं, तो ये वाली अगर समान हो, एक जैसे हो, तो हम कॉमन ले लेंगे इसको और इसका जो अंश है इनको ऐड कर लेंगे। हमारे पास जैसे 6 यहाँ पे दोनों में था हर, तो हमने ये 6 ले लिया और अंश को हमने ऐड कर दिया है, तो इस तरह से सिंपली 9/6 आ गया। और सेकंड मान लो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया 1/4, 2/6, 3/8, इस तरह की 3 वैल्यू हमारे पास दी गई है। तो ऐसे में हमने क्या करना है, पहले एलसीएम निकालना है। जो हर है हमारे पास 2, 4, 6 और 8 का, जो 3 हमारे पास इसमें हर दिए गए, इनका हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, जैसे 2 से गया, ये 2 × 4, 3 × 6, 4 × 8, तो इस तरह से 2 × 2, 3 से ही जाएगा, और 4 जो है 2 से, इस तरह से 3 × 6, 6 × 12, 12 × 24, 24 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम को हमने क्या करना है, नॉर्मली पहले हमने हर से भाग करना है। जैसे 24 को हमने हर से भाग करना है, हर हमारे पास क्या है, 4 है, तो हर से हमारे पास आ जाएगा, जब भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा। 24 को हम 4 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 जो हमारे पास आया, जो जिसे हम भागफल बोलेंगे, भागफल जो आया इसको हमने अंश के साथ गुणा करना है। जो हमारे पास अंश दिया गया है इसके साथ गुणा करना है। तो हमने यहाँ पे जैसे 24 भाग 4 करेंगे तो 6 आएगा, 6 को हमने अंश से गुणा किया, ये हमारे पास बीच में जमा, इसको हमने, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका एडिशन का है, तो इसलिए हमने इसको जमा किया, ये वाला निशान जमा का। और 24 को हमने 6 से भाग किया तो 4 आ गया, 4 को हमने इसके अंश के साथ गुणा कर दिया, और 24 को हमने इसके हर के साथ, तीसरे वाले संख्या के हर के साथ हमने भाग किया 8 के साथ, तो हमारे पास 3 आ गया। और जो 3 जो है हमने ऊपर वाला जो अंश है तीसरे वाले का अंश, तो उसके साथ हमने गुणा कर दिया। तो इस तरह से 6 × 1, 4 × 2, 3 × 3, तो ये टोटल मिला के 6, 4 × 8, 3 × 9, तो ये हमारे पास 23/24 आ जाएगा। ठीक है, तो घटाना कैसे, घटाएंगे कैसे, तो ये जैसे हमने एडिशन किया वैसे ही हमारा घटाने का, ये सिर्फ निशान चेंज हो जाएंगे इसमें। और सेकंड थिंग इसमें क्या हो जाएगा कि अगर कॉमन हमारे पास रहता है, संख्या हमारे पास कॉमन रहती है, जैसे हमने भाग में किया वैसे ही हम, अगर यहाँ पे जैसे हमारे पास कोई कॉमन हर आता है, तो अगर निशान माइनस में आता है जब घटाना है तो उसमें माइनस कर देना है, और कुछ नहीं। जैसे इस वाले केस में हमारे पास ये माइनस का आ जाएगा, तो ये -1/6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जैसे क्वेश्चन है 2/7 और -3/14, तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 14, तो 14 जो होगा ये 14 को हमने 2/7 से भाग दिया तो 2 आ जाएगा, 2 को हमने फिर अंश के साथ गुणा कर दिया और ये माइनस वाला निशान, फिर 14 को हमने 14 से भाग किया तो 1 आ जाएगा, और 1 को हमने अंश के साथ गुणा कर दिया, 3 के साथ गुणा कर दिया, तो ये 4, 2 × 4, माइनस का निशान माइनस, 1 × 3, 3, और ये आ गए 14 जो हर में है, तो ये 4 − 3, 1 आ गए, 1/14, ये इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये वाला एग्जांपल हम ऑलरेडी अभी पहले आपको बता दिया कि जैसे हर हमारे पास सेम हो, ठीक है, तो नॉर्मली जो होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, या हर सेम है तो इसमें 9 − 5, 8। और अगर हमने भिन्नों को गुणा करना है, फ्रैक्शन को अगर हमने गुणा करना है या भाग करना है, तो उसको कैसे करेंगे, तो ये आंसर आया होगा हमारे पास इसका,
तो इसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, हमारे पास मान लो संख्या है 5/6 है और 9/4, अगर इनको गुणा करना है तो गुणा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाला जो अंश से अंश को गुणा कर देंगे, हर से हर को गुणा कर देंगे, तो ये उसी तरह से बाकी 9 5 45 और 6 6 24, तो ये नॉर्मल से आएगा भाग गुणा करना। भाग में सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें, जैसे भाग के कंडीशन में 5/6 भाग 9/4 में, 5/6 और 9/4 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, भाग को कई बार इस तरह से भी लिखा जा दिया जाता है मतलब, तो 5/6 को आपने क्या करना है, 9/4 को आपने गुणा में जब निशान देंगे तो ये नीचे वाली संख्या है जो 9/4 है, ठीक है, ये आपकी पलटी हो जाएगी, ये 9/4 की जगह 4/9 हो जाएगा, भाग करके जो आ जाएगा, जब ये संख्या पलटी होगी, संख्या जो होगी आपका 9/4 4/9 में बदल जाएगी, तो आपका बाकी उसके बाद फिर सेम टू सेम ऊपर वाली संख्या से जब ये फिर गुणा के निशान की वजह से ये आपका भाग को जब गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या भी बदलेगी, 9/4 4/9 में बदल गया, तो वैसे फिर 5 × 4 6 × 9 बाकी 5 × 20 9 × 56, तो ये इस तरह से बाकी नॉर्मली ऐसे भी आप कर सकते हैं, अगर इस तरह से आप नाम बदल के मान लो दूसरे ये क्वेश्चन 15/6 भाग 4/5 है, तो 15/6 को आप गुणा करके 4/5 को आप जैसे बदल के 5/4, जब आप भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो ये 4/5 में बदल के आपका चेंज हो जाएगा, ये 4/5 होगा 5/4 में बदल जाएगा, फिर जैसे हम गुणा के केस में करते थे नॉर्मली हर से हर को गुणा हर से हर को गुणा, तो वैसे फिर जब एक बार इस तरह से कन्वर्ट हो गया तो आपने अंश से अंश को गुणा हर से हर को गुणा, ये 15 × 5 = 75 और 6 × 4 जो हो जाएगा 24। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, बाकी वीडियो शेयर करते रहिए, धन्यवाद।